सब्सक्राइब करें सभी किचन को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा और चने की भुर्जी। तो इसको बनाने के लिए मैं ली हूँ 3 अंडा और चना जिसको पहले से भिगा के रख लिया था। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी तेल 2 बड़े चम्मच, तेल गर्म हो चुका है मैं डालूंगी इसमें सरसों, हरा मिर्च रख लूंगी मैं और डालूंगी प्याज। इन सबको मैं ब्राउन होने तक भून लूंगी। इस तरह हल्का ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी चना को और इसको लगभग 3-4 मिनट हम भून लेंगे, पका लेंगे। इसको मैं ढक लेती हूँ। इस तरह लगभग 3-4 मिनट पकाने के बाद हल्का पक चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर को। साथ ही साथ डालूंगी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 1 चम्मच, नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर। इस तरह सबको मिला लूंगी और टमाटर के गलने तक इसका हम पकाएंगे इसको। इस तरह मैं इसको ढक लेती हूँ। लगभग 2 मिनट के बाद देखते हैं टमाटर अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी अंडे को। मिक्स कर लूंगी सबको। इस तरह मिक्स कर ली हूं, अब मैं लगभग इसको 3-4 मिनट और पकाऊंगी। ढक लेते हैं। इस तरह कम से कम 3-4 मिनट हो गए हैं, इसको हम चम्मच चला लेते हैं। अब रेडी है, पक भी चुका है और रेडी है अंडा भुर्जी। तो लास्ट में मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया और गरम मसाला, मिक्स कर लूंगी और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इस तरह से रेडी है चना और अंडा की भुर्जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।